हाँ जी भाई, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक बार रीड कीजिए। वो कह रहे हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन वेदर प्रेजेंट एजेस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू। आपको ये सिचुएशन नीचे दी हुई है, उसमें देख के बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? और आपको बेटा प्रेजेंट एजेस निकालनी है, अगर पॉसिबल है तो। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स के एजेस का सम 20 ईयर्स, एंड 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो दो फ्रेंड्स हैं, देख लेते हैं भाई, दो फ्रेंड्स कुछ बताया तो है नहीं, तो आप लिखोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी वाई ईयर्स। ले सकते हैं बेटा, मेरी बात सुनो, वाई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो लेकिन हमें ये पता है कि अगर मैंने वाई लिया तो दोनों की एज का सम कितना है बेटा? 20 ईयर्स। अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी? 20 ईयर्स में से पहले फ्रेंड की एज निकाल दीजिए तो आपको दूसरे की मिल जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 20 माइनस एक्स ईयर्स। बताइए कोई दिक्कत? इसलिए बेटा ऐसे करना है। अब ज़रा देखिए उन्होंने क्या बोला है। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले बेटा, 4 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? जो भी अभी एज है उससे 4 ईयर्स कम। मतलब अगर आपकी एज अभी 15 ईयर्स है तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी? 11 ईयर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी अगर इसकी प्रेजेंट एज x है तो 4 ईयर्स पहले कितनी रही होगी? x माइनस 4। यहाँ पर आ जाइए, इसकी एज भी तो बेटा 4 ईयर्स कम रही होगी, 20 माइनस x माइनस 4, ठीक है भाई? ये भी 4 साल पहले छोटा रहा होगा और ये भी रहा होगा, ठीक है? दोनों की एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ है? 48। एनी प्रॉब्लम? अब इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 4, ये कितना आ जाएगा बेटा? 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना? 48। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 16x, इसको मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 64, और इसको इससे करोगे माइनस माइनस प्लस का 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 48। सब कुछ उधर पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस दिस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है? 64 इक्वल्स टू 48। एनी प्रॉब्लम? सब कुछ उधर लेकर जाइए तो इधर क्या बचेगा? 0। ये बेटा माइनस में है उधर जाकर प्लस, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, ये माइनस में है उधर जाकर बेटा क्या होगा? प्लस। और उधर तो ये बेटा ऑलरेडी प्लस है ही। इधर देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन ये दोनों बेटा क्या हो सकते हैं? सॉल्व हो सकते हैं। सॉल्व करके आंसर कितना आएगा बताओ ज़रा? 16 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब हमें क्या करना है ज़रा देखो, इधर देखिए ज़रा, हमें ए निकालना है, हमें बी निकालना है, और हमें क्या निकालना है बेटा? सी निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी बेटा? 1। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 20। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 16। हमें क्या निकालना है ये चेक करने के लिए? हमें निकालना है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। बेटा कैसे निकलता है? D इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 20 का स्क्वायर। माइनस 4a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। और c की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 16। एनी प्रॉब्लम? अब सॉल्व कीजिए इसको बेटा। ये हो गया 400, और ये कितना हो जाएगा?
सही लिखा है सब कुछ, 4a, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 1, हाँ ठीक है, ये कितना आ रहा है बेटा 64, ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 464, विच इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब इसकी वैल्यू पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो आप लिखोगे यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो वो कह रहे हैं इनकी प्रेजेंट एज निकालिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए बेटा, इसके आपको क्या करने हैं बेटा फैक्टर्स करने हैं, क्या होंगे फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके 16, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, माइनस बी 4ac प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले निकाल लेते हैं भाई, फिर हमेशा फैक्टर्स हो जाए ऐसा जरूरी नहीं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ जी सर, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, हाँ किसी में भी लगा सकते हो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है जरा बताओ, 464 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 2, अब 464 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ जरा, 24 का कहाँ गया, 464 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 प्लस माइनस इसकी, ये कितना आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये बेटा किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, एक बार ज़रा पीछे आंसर चेक करना, है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पीछे आंसर देखो यस में दिया हुआ नो में दिया हुआ है, मीटर नहीं एजेस है, ठीक है, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्यों उसका रीजन बता देता हूँ आपको, माइनस 20 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 400, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 60 का 4, ठीक है 64, ये आ जाएगा बेटा 464 विच इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्यों जरा देखिए, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें तो बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो बेटा फिर ये क्या हो जाएगा, एज बता ही नहीं पाएंगे, कभी किसी की एज रूट में सुनी है, रूट में नहीं हो सकती किसी की एज, ठीक है, कोई ना कोई परफेक्ट नंबर होना चाहिए, परफेक्ट मतलब डेसिमल में हो सकती है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर बेटा एक तो इसके फैक्टर्स निकल नहीं रहे और दूसरा इसका डिस्क्रिमिनेंट किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि ज़रा आप ये समझिए, अगर बेटा डेसिमल में है चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए एज डेसिमल में आ भी गई, जैसे मेरी एज जो है मान लीजिए 20.5 भी तो हो सकती है, लेकिन बेटा अगर डेसिमल में हुआ तो क्या उनके दोनों एजेस का सम 20 आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो भी डेसिमल में होना चाहिए था, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए था बेटा डेसिमल में होना चाहिए था, ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस बी, बी इज व्हाट माइनस 20, मतलब प्लस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट में 464 एंड 2a, a इज व्हाट 1, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, हाँ किसकी possible. क्या हो गया, दो बार लिख दिया मैंने, डबल एसी तो आता है, सर आपने एसआई एसआई चला,
अच्छा पॉसिबल बिकॉज बेटा रीजन क्या होगा, एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर इन होल नंबर्स, इनका बेटा एजेस का सम कितना है, होल नंबर आ रहा है, बट प्रेजेंट एजेस आर नॉट इन होल नंबर, होल नंबर, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल कि दो नंबर्स का सम, दो एजेस का सम 20 आ जाए और दो एजेस का सम डेसिमल में या रूट में भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो प्लीज नोट इट डाउन.